वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन जी टेक पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हरियाणा सरकार के लिपिक कर्मचारी लुटे गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। साथियों, गुड न्यूज़ उनके पे स्केल से संबंधित है। आप देख सकते हैं, हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट को ओपन किया हुआ है और एक कोर्ट केस चल रहा था साथियों, CWP नंबर 25584 ऑफ 2021। आप देख सकते हैं, राजवीर सिंह एंड अदर्स, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो आप देख सकते हैं स्टेटस का फिलहाल पेंडिंग शो हो रहा है, मगर हम आपको इसके डिसीजन के बारे में बताने वाले हैं और ये बताएंगे कि कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, बीच में स्किप ना करें। और अगर हमारे पर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथ आप देख सकते हैं, क्लर्कों को लंबे समय से चली आ रही 5200 के ग्रेड की जगह 9300 ग्रेड की मांग पर आज माननीय उच्च न्यायालय में CWP नंबर 25584 ऑफ 2021 के केस की सुनवाई हुई, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था और आपको मैंने हाईकोर्ट की साइट पर भी दिखाया था, जिसमें अधिवक्ता श्री विक्रम स्योरान अधिवक्ता ने बहस करते हुए माननीय न्यायालय को बताया कि सभी पटिशनर जो 2012 में क्लर्क के पद पर चयनित हुए थे, जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तब उनकी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन पे स्केल वही रखा गया। विक्रम स्योरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि क्लर्क यूनियन ने इस बारे में सरकार को आगामी लिखित रिपोर्टेशन दी, जिस पर सरकार ने 23/11/2015 को सरकार ने यूनियन की मांग को मानते हुए पे एनुमली कमीशन को लिखा, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 24/4/22 को जवाब फाइल करने को कहा है। तो साथियों, अब जो नेक्स्ट जो हियरिंग होगी 24/4 होगी और उसमें हरियाणा सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब फाइल करने के लिए कहा है। तो साथियों, ये थी आज की न्यूज़।